हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर बीएमएस की कट ऑफ कितनी रह सकती है गवर्नमेंट बीएमएस की। तो इस वीडियो में अपन वही बात करेंगे कि बीएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है नीट 2023 के अंदर। तो जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलता है उनके लिए बीएमएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, आपको पता चलेगी कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है और आपके कितना मार्क्स आ रहे हैं, जिससे आप एक जो है कॉलेज की जो सीट है वो सिक्योर कर पाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को एस नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पर आपको हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, और बाकी बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री उनके भी टॉपिक्स के ऊपर हम आपको इजी ट्रिक्स के साथ बताएंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हमें सजेस्ट कर सकते हो कि इस वाले टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना दीजिए तीनों सब्जेक्ट के अंदर, तो हम आपको उसका वीडियो बनाएंगे एकदम ट्रिक के साथ, तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लस काउंसलिंग तक तो हम आपके साथ हैं, आपको बताते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि स्टेट वाइज कितने कट ऑफ रह सकती है, उसका वीडियो हमने डाल दिया है, कट ऑफ का वीडियो हमने डाल दिया है एमबीबीएस का, और एम्स के लिए भी हमने डाल दिया है, स्टेट वाइज भी हमने डाल दिया है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में सबके ऊपर। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आप विजिट करोगे आपको वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपडेट काउंसलिंग में बैठोगे 2023 में, तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प वो चीज करेंगी। तो जब भी अब तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चेक कर लेना, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे नीट 2022 की कट ऑफ से कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ यहां पर रही थी 2022 में, और 2023 में क्या रहने के चांसेज हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नीट 2022 कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2022 के अंदर 495 कट ऑफ रही थी, ईडब्ल्यूएस की 492, ओबीसी की 494, एससी की 352 और एसटी की 200 कट ऑफ नीट 2022 में रही थी बीएमएस के कॉलेजेस के लेने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं ओनली, बाकी प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी हम बताएंगे आपको सारी चीजें। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें पता चले कि बीएचएमएस की भी कट ऑफ बताएंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट सबकी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं 2023 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसके ऊपर वीडियो। तो यहाँ पर 2023 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 500 प्लस रहने के चांसेस हैं इस साल। हो सकता है 4-5 नंबर प्लस माइनस भी हो। तो वैसे हमने आपको बताया था कि नेट 2023 की जो कट ऑफ है वो सिमिलर रहने वाली है 2022 के, तो कट ऑफ यहाँ पर भी ज्यादा वेरी नहीं करेगी, 5 नंबर का वेरिएशन हम लेके चल रहे हैं ओनली। तो आप इतने नंबर अगर आपके हैं तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 498 प्लस हो सकती है, ओबीसी 500 प्लस, एससी 375 और एसटी जो है 205 प्लस की कट ऑफ यहाँ पर आपके रह सकती है, प्लस माइनस 5 मार्क्स आप कर सकते हो, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं रह सकती। यह है नेट 2023 की कट ऑफ बीएएमएस की। अब बात करते हैं बीएचएमएस की भी, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रेफरेंस रहती है कि वो बीएचएमएस की भी कॉलेज की कट ऑफ जाने या फिर वहां पर एडमिशन ले। तो बीएचएमएस की कट ऑफ की बात करते हैं हम, 2022 और 23 दोनों के हम आपको बताएंगे। तो कैटेगरी वाइज इस तरफ है, तो जनरल कैटेगरी की बात करें 2022 में कट ऑफ रही थी 380 मार्क्स और इस साल रह सकती है 400 मार्क्स यहाँ पर रहने के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है 5-4 नंबर कम ज्यादा भी हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें 360 नंबर थी 2022 में, 380 इस साल भी रह सकती है। ओबीसी की बात करें 375 मार्क्स 2022 में, 390 की कट ऑफ 2023 में रह सकती है। एससी में 245 मार्क्स थी 2022 में और 250 मार्क्स रह सकती है 2023 के अंदर। एसटी कैटेगरी में 120 मार्क्स थी 2022 में और 125 प्लस मार्क्स हो सकती है 2023 के अंदर। तो यह है बीएचएमएस की कट ऑफ। और अगर बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, इन कोर्सेज के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2022 में जो कट ऑफ मार्क्स रहती है जिसके अंदर बच्चे क्वालिफाई होते हैं वही मार्क्स रहती है। तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में 117 मार्क्स थे 2022 के अंदर, ओबीसी एससी एसटी की 95 मार्क्स थी, तो इस साल 120 या फिर 125 प्लस रह सकती है, यहाँ पर 100 रह सकती है ओबीसी एससी एसटी वालों की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कट ऑफ है, आपके मार्क्स आ जाएंगे, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। नंबर हमने आपको एक बताया है, अप्रोक्सीमेट बताए हैं, अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर एडमिशन आपको मिल जाता है। एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर, लेकिन वहां की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो फीस का आप जरूर चेक कर लेना कि किस कोटे से आपको कॉलेज मिलता है, या तो आपको मैनेजमेंट कोटे से मिलता है तो आपकी फीस बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है इन कॉलेजेस के अंदर, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे हर एक चीज के बारे में,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, ताकि हम अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो डालते हैं कट ऑफ से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपको मिल पाए और आपको कॉलेज लेने में फायदा हो। तो आई होप चीजें समझ आई होंगी आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना, ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास चीजें पहुंच पाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।